हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की वाली वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। देखो, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आप अपनी वेबसाइट के हेडर और फुटर को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर अपनी वेबसाइट के हेडर और फुटर को कस्टमाइजेशन करना नहीं आता तो आज की वाली वीडियो देख के आप सीख जाएंगे आप अपने कैसे हेडर को और फुटर को एडिट कर सकते हैं, कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप अपने वेबसाइट के हेडर फुटर को। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कभी भी दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी हेडर फुटर को कस्टमाइजेशन करने के लिए। आज मैं आपको हेडर में जो जो कस्टमाइजेशंस होती हैं पूरी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, और फुटर में जो जो कस्टमाइजेशंस होती हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लोगे तो आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से स्टार्ट करें हमारी वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो पूरी अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहीं पर ही हम बात करते हैं। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं ऑन कर लेता हूं। तो इस वीडियो में हम वर्डप्रेस की वेबसाइट के हेडर और फुटर को कस्टमाइज़ करने वाले हैं। तो अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो मैं आपको दो वेबसाइट रिकमेंड करता हूं, यहां से आप होस्टिंग बाय कर लेना। और अगर आप मेरे लिंक से डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया हुआ है उस लिंक से अगर आप बाय करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो पहली है होस्टिंगर, होस्टिंगर से अगर आप होस्टिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से अगर आप बाय करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप 149 वाले प्लान वाली होस्टिंग बाय कर सकते हैं और यहाँ पे आपको 100 वेबसाइट्स आप रन करवा सकते हैं। 100 GB की SSD स्टोरेज आपको मिल जाएगी, अनलिमिटेड SSL आपको मिल जाएगा, अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको मिल जाएगी, फ्री ईमेल, फ्री डोमेन आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे होस्टिंग के लिए होस्टिंगर को चूज़ कर सकते हैं अगर आप होस्टिंगर से बाय करने की सोच रहे तो। और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप बाय करोगे तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको होस्टिंगर से बाय करना है तो भी मैं आपको डिस्काउंट करवा के होस्टिंग प्रोवाइड करवा दूंगा। और सेकेंड जो हमारी वेबसाइट है वो है ब्लूहोस्ट से भी आप यहाँ पे होस्टिंग बाय कर सकते हैं। तो जिस वेबसाइट से आप करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही ट्रस्टेड वेबसाइट है और दोनों का बहुत अच्छा सर्वर यहाँ पे आ जाता है, तो वो ब्लूहोस्ट से भी आप यहाँ पे 279 वाला प्लान बाय कर सकते हैं। 169 वाला प्लान यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे वन वेबसाइट रन करवा सकते हैं आप। इससे अच्छा आप 279 वाला प्लान बाय करेंगे तो उसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट रन करवा पाएंगे। तो इससे बेटर 279 वाला प्लान है। तो अगर आप इसको बाय करने की सोच है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे बाय करेंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं तो इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको डिस्काउंट दिलवा दूंगा दोनों वेबसाइट में। तो होस्टिंग की बात हमारी हो चुकी है, तो अब चलते हैं हमारे वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे हम जनरेट प्रेस का जो थीम है उसमें कस्टमाइजेशन करने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है जनरेट प्रेस का थीम। यहाँ पर मैंने प्लगइन भी इंस्टॉल कर रखा है। देखो, प्लगइन हमने प्रीमियम वाला इंस्टॉल करा है। तो अगर आपको जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर जो आपने होस्टिंग बाय करी है उसका बिल दिखा देना, मैं आपको फ्री में जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपके पास ऑलरेडी होस्टिंग है, आपको सिर्फ प्लगइन ही चाहिए तो आप मेरे को फिर भी इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर देना। थोड़े से चार्ज आपके लगेंगे तो आपको जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है और थीम इंस्टॉल कर रखा है, तो ये आप कर लेना। अब देखो, आपको यहाँ पे एक अपीरियंस में आना है। जब आप यहाँ पे जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन इंस्टॉल करोगे तो आपको अपीरियंस में आना है और जनरेट प्रेस के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे जब आप अपने प्लगइन को इंस्टॉल करोगे, देखो ये सब है ना जनरेट प्रेस के प्रीमियम प्लगइन में ही होगा। मॉड्यूल्स में आओगे तो सारे मॉड्यूल्स को आपको एक्टिवेट कर लेना है। तो जब आप सारे मॉड्यूल्स को एक्टिवेट कर लोगे तो आपको यहाँ पे कॉपीराइट का भी मिल जाएगा। देखो, जो यहाँ पे वेबसाइट के फुटर में कॉपीराइट को एडिट करने का होता है तो ये फीचर आपको प्रीमियम प्लगइन में ही मिलेगा। तो यहाँ पे इन सभी को एक्टिवेट कर लेना आप। यहाँ पे ये काम आपका हो जाए तो उसके बाद आपको आना है अपनी वेबसाइट में। यहाँ पे इस तरह की हमारी वेबसाइट दिख रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एडिशनल CSS ऐड करने वाला हूँ। आपको कस्टमाइजेशन पे टिक करना है। यहाँ पे नीचे आपको एक एडिशनल CSS का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको एक CSS डालनी है। तो ये CSS भी आप मेरे को जब इस होस्टिंग का बिल दिखाएंगे तो आपको फ्री में मिल जाएगी। अगर आपको सिर्फ CSS चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर लेना, आपको थोड़ा सा चार्ज पे करना पड़ेगा तो आपको ये CSS भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं, जो ये CSS है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आपके पास इस तरह की कस्टमाइजेशंस तो आपके पास इस तरह की कस्टमाइजेशंस ऑलरेडी आ जाएगी जब आप ये CSS अप्लाई करोगे।
उसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट थोड़ी अच्छी तो दिख रही है। तो अब हम आ जाते हैं हेडर को, हमारे को कैसे एडिट करना है। देखो सबसे पहले आपको अपनी जो वेबसाइट का नाम है वो अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे देखो साइट आइडेंटिटी का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इसमें आना है, साइट आइडेंटिटी पे आना है। अब आपको यहाँ पे दिखेगा साइट टाइटल, तो यहाँ से आप जो भी टाइटल डालोगे वो आपकी वेबसाइट का नाम हो जाएगा। जैसे मैंने डाला यहाँ पे आयुजी, तो हमारी वेबसाइट का नाम हो गया आयुजी। यहाँ पे मैं वर्ल्ड भी डाल देता हूँ, आयुजी वर्ल्ड। तो मैंने तो यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट का नाम हो गया आयुजी वर्ल्ड। अगर आप टैगलाइन भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टैगलाइन भी दे सकते हैं। आप देखो यहाँ पे अगर आपको लोगो लगाना है अपना, तो यहाँ पे सिलेक्ट लोगो का ऑप्शन है। देखो लोगो लगाना मैं आपको थोड़ा देखो लोगो लगाना मैं आपको बाद में बता दूंगा। देखो आपको लोगो को कैसे बनाना है और कैसे लगाना है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में। पहले मैं आपको देखो यहाँ पे हम कलर्स में आ जाते हैं। देखो इतना काम हमारा हो गया, लोगो लगाना अभी हम सीखेंगे। हम कलर्स में आ जाते हैं। कलर्स में आने के बाद आपको प्राइमरी नेविगेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। जो ये कलर्स आ रहे हैं तो इन जो यहाँ पे ये अभी वाइट कलर है, तो इसको अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे से आप इसको चेंज कर सकते हैं। प्राइमरी नेविगेशन में आपका आना है और नेविगेशन बैकग्राउंड में आपको टिक करना है। यहाँ पे आप किसी भी कलर का यहाँ पे नेविगेशन बैकग्राउंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका ये कलर चेंज हो चुका है। अगर आपको इसके पूरे का कलर चेंज करना है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको हम वाइट ही रहने देते हैं। कलर्स में आपको आना है, यहाँ पे आपको हेडर का ऑप्शन मिलेगा। हेडर में आपको आना है, यहाँ पे आपको कोई भी कलर चूज़ कर लेना है। तो ये हमारा कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको पर्पल रखने वाले हैं, तो इससे हमारा ये कलर मैच हो रहा है, तो हम ये वाला कलर यहाँ पे रखने वाले हैं। तो इसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो यहाँ पे हेडर में हेडर के ऑप्शन में आके आप यहाँ पे हेडर का कलर चेंज कर सकते हैं। इसका मैंने बता दिया, यहाँ पे आपको प्राइमरी नेविगेशन में आपको आना है। प्राइमरी नेविगेशन में आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम इसका भी सेम कलर कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसका कलर कोड कॉपी कर लेता हूँ। देखो हम हेडर में आते हैं फिर से, जो हमने कलर लिया है इसका यहाँ पे कलर कोड आपको शो होगा, तो यहाँ से आपको इसका कलर कोड कॉपी करना है। तो यहाँ से आपको इसका कलर कोड कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन में आ जाना है। जो ये वाइट कलर है यहाँ पे आपको उस कलर कोड को डाल देना है। तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे हेडर का कलर रखा था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखो ये जो बाकी के कलर है वो यहाँ पे होवर कलर है, मतलब आप जैसे भी इसको यहाँ पे एरो लेकर जाते हो तो ये अभी देखो ब्लू हो रहा है। जैसे हमने इस पर होवर करा तो यह अभी ब्लू हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये वाइट हो तो मैं इसको यहाँ पे वाइट कर दूंगा, तो देखो ये वाइट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो ये थर्ड कलर है वो है लिंक कलर। यहाँ पे आप कुछ भी जो भी यहाँ पे लिंक जैसे आप टैप करोगे तो लिंक कलर यहाँ पे ब्लू हो रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं रेड कर दूंगा यहाँ पे, तो अब हमारा ये रेड हो जाएगा। तो जैसे आप इस पे टिक करोगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये यह रेड होके आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से ही आएगा। तो इसको मैं वाइट ही रहने दूंगा, तो रेड ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाइट अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे हम चलते हैं, हेडर में भी आपको यही कलर लगाना है। तो एक बार मैं इसका वापस से कलर कोड कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। अब देखो आपको नीचे फुटर में भी यही कलर लगाना है, तो इसका कलर कोड आप वापस से कॉपी कर लेना अगर आपको सेम रखना है। तो यहाँ पे नीचे भी हम यही कलर देने वाले हैं, तो आपको फुटर बार का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको उस कलर को पेस्ट कर देना है। तो ये हमारी फुटर बार भी चेंज हो चुकी है। अब देखो जो टेक्स्ट कलर है वो हम चाहते हैं यहाँ पे वाइट रहे, तो टेक्स्ट कलर को हम यहाँ पे वाइट कर देते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट कलर वाइट हो गया। और जो लिंक कलर है वो हमारा ब्लू रहे, तो ब्लू ऑलरेडी है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। हम चाहते हैं यहाँ पे जो लिंक कलर है वो भी वाइट हो जाए, तो यहाँ पे हमारा लिंक कलर भी वाइट हो चुका है।
तो इस तरीके से हम यहाँ पे फुटर के कलर को चेंज कर सकते हैं। हेडर और फुटर के कलर हमारा सेम हो चुका है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो अब आती है यहाँ पे लोगो की बात। देखो लोगो का मैंने आपको बताया था, आपको वापस से कलर्स में आ जाता है, जो आपने कलर कोड लिया है उसको आपको एक बार कॉपी कर लेना है। तो लोगो हम बनाना सीखेंगे। देखो कैसे आपको लोगो बनाना है, कैनवा पे आपको आ जाना है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कैनवा, यहाँ पे फ्री डिज़ाइन टूल्स में आपको आ जाना है। तो यहाँ पे सिंपल आप साइनअप करोगे तो आपको यहाँ पे फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। आप कैनवा पे यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो लोगो को। तो यहाँ पे हमारा कैनवा ओपन हो चुका है, मैंने अभी अभी साइनअप करा है तो ये सब यहाँ पे शो हो रहा है। इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लोगो, तो सिंपल मैंने लोगो यहाँ पे टाइप कर लिया। अब देखो आपको यहाँ पे बहुत सारी टेम्पलेट्स में मिल जाती है जो कि फ्री है, आप कोई भी टेम्पलेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे खुद का लोगो भी बना सकते हो। तो मैं ये वाली टेम्पलेट यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब देखो आपको यहाँ पे जो यहाँ पे नाम लिखा है उसकी जगह आप अपना भी नाम लिख सकते हो, या फिर आप, अब देखो जो यहाँ पे नाम लिखा है वो उसकी जगह आप यहाँ पे अपना भी नाम लिख सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दे रहा हूँ, या फिर हम कर ही लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देता हूँ IOT IUC, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ल्ड। तो ये हमारा लोगो बन चुका है। अब देखो जो बैकग्राउंड है उस पर आपको टैप करना है, और यहाँ पे आपको कलर्स का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको करना है और जो आपने कलर कोड यहाँ पे कॉपी करा था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये वाला बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये लोगो हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे कस्टमाइजेशन वाले सेक्शन में। यहाँ पे हम फिर से साइट आइडेंटिटी पर आ जाते हैं, और यहाँ पे आपको लोगो में जाना है, यहाँ पे आपको उस लोगो को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको इस लोगो को लगा देना है। तो यहाँ पे हम इतना लेने वाले हैं, इसको आप अपने हिसाब से क्रॉप कर लेना। तो ये लोगो हमारा आ चुका है, देखो बहुत बड़ा ये आ रहा है, इसको हम छोटा कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे लोगो हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अगर आपको इस लोगो को छोटा करना है तो आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। देखो अभी हमारा लोगो यहाँ पे गायब भी हो चुका है, तो यहाँ पे मैं इसको 50 करता हूँ, तो अभी भी हमारा लोगो नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, तो यहाँ पे मैं 150 कर देता हूँ। तो अभी हमारा लोगो सही है, मैं यहाँ पे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे 200px में यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये हमारा लोगो यहाँ पे परफेक्ट सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लोगो की विड्थ भी सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा काम हो चुका है, यहाँ पे आपको पब्लिश कर देना है, लोगो का काम हमारा हो चुका है। अब देखो आपको यहाँ पे ऊपर कैटेगरीज ऐड करने हैं, या फिर आपको जो भी पॉलिसी पेजेस ऐड करने हैं वो आप कैसे कर सकते हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको, तो अगर आपको यहाँ पे पॉलिसी पेजेस ऐड करने हैं ऊपर में, तो आपको पहले अपने पॉलिसी पेजेस बनाने पड़ेंगे। अगर आपको पॉलिसी पेजेस नहीं बनाना आता तो मैंने वीडियो बना रखी है, इस वीडियो को देख के आप यहाँ पे सीख सकते हैं पॉलिसी पेजेस कैसे बना सकते हैं। तो ये वाली जो वीडियो है, देखो यहाँ पे ये वाली जो वीडियो है इसमें मैंने आपको बताया कैसे आप पॉलिसी पेजेस बना सकते हैं, तो इस वीडियो को जाके देख लेना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगी ये वीडियो। तो यहाँ पे हम पेजेस पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं सिंपल बना लेता हूँ कुछ भी, कॉन्टैक्ट अस। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए सिंपल रैंडम पोस्ट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे पेजेस बना के पोस्ट करना। तो एक हमारा कॉन्टैक्ट अस का बन चुका है, एक हम अबाउट अस का बना लेते हैं, अबाउट अस, और बाकी के पेजेस आप बना लेना है। मैंने यहाँ पे दो ही लगाए हैं, तो ये हमारे दो पेजेस यहाँ पे हो चुके हैं।
अब देखो आपको यहाँ पे पेजेस तो आपके बन गए, आपको पोस्ट में आना है और कैटेगरीज भी आपको बना लेनी है। पोस्ट में आने के बाद कैटेगरीज का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको कैटेगरी का बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी का नाम डालना है, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे जिम जिम। तो एक कैटेगरी हम ये बना लेते हैं और हम यहाँ पे बना लेते हैं फिटनेस, एक कैटेगरी हम यहाँ पे ये बना लेते हैं और एक और हम बना लेते हैं यहाँ पे वर्कआउट। तो ये तीन कैटेगरी हमारी बन चुकी है, अब हम इसको यहाँ पे ऐड करने वाले। पहले हम यहाँ पे कैटेगरीज ऐड करेंगे, उसके ऊपर हम यहाँ पे पॉलिसी पेजेस ऐड करेंगे। आपको कस्टमाइजेशंस में आना है, कस्टमाइजेशन में आने के बाद आपको मेन्यूज में आ जाना है। मेन्यूज में आने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको आना है। पहले हम कैटेगरीज को ऐड करने वाले हैं, यहाँ पे पहले हम कैटेगरीज को ऐड करेंगे। तो आपको प्राइमरी मेन्यू पे आना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है कैटेगरी। स्पेलिंग आप अपने हिसाब से देख लेना, अभी मैं रैंडम यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा कैटेगरी का एक मेन्यू बन चुका है, यहाँ पे हमारे को ऐड आइटम पर टिक करना है। देखो कैटेगरी के स्पेलिंग अभी मैंने कुछ भी लिख दिया, आप अपने हिसाब से कर लेना। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, कैटेगरीज में आपको आना है, जो जो आपने कैटेगरीज बनाई है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जिम फिटनेस वर्कआउट, तो ये तीन कैटेगरी हमारी ऐड हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ, पब्लिश मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे तीनों कैटेगरी हमारी ऐड हो चुकी है, जिम फिटनेस वर्कआउट। अगर आप चाहते हैं कि इसके नीचे जैसे जिम के और भी हमारे को कैटेगरी बनानी है, मतलब सब कैटेगरी हमारे को बनानी है, तो यहाँ पे देखो मैं इसकी सब कैटेगरी कैसे बनाता हूँ। यहाँ पे मैं दो तीन कैटेगरी को और बना लेता हूँ। जैसे जिम में क्या क्या आता है, शोल्डर एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज, तो यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी बना ली शोल्डर एक्सरसाइज। अब आपको जिम के नीचे सब कैटेगरी को ऐड करना है, तो आपको सिंपल मेन्यूज में आ जाना है। जो आपने कैटेगरीज बनाई है, जो कैटेगरीज की मेन्यू आपने बनाई है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उसमें आपको आना है, ऐड आइटम पर आपको टिक करना है, कैटेगरीज में आपको आना है। तो यहाँ पे आपको शोल्डर एक्सरसाइज की जो कैटेगरी आपने बनाई वो आपको मिल जाएगी, आपको इसको ऐड करना है। अब आपको यहाँ पे इसको ड्रैग करके जिम के नीचे लेकर जाना है, तो जिम के नीचे यहाँ पे ड्रैग करना है। तो ये यहाँ पे सब कैटेगरी बन चुकी है। देखो मैं यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे होवर करूँगा तो यहाँ पे शोल्डर एक्सरसाइज की कैटेगरी आ चुकी है। तो ऐसे आप सब कैटेगरी भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, तो ये हमारी पब्लिश हो चुकी है। अब देखो आपको यहाँ पे हेडर में पॉलिसी पेजेस लगाने हैं, तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। आपको फिर से मेन्यूज में आ जाना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू पे टिक करना है, यहाँ पे आपको पेजेस पे टिक करना है, पेजेस टाइप कर देना है, या फिर आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। बस हम इसका हम मेन्यू बना लेते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन पे टिक नहीं करना, यहाँ पे इसका हम मेन्यू बना लेते हैं। तो मेन्यू हमारा बन चुका है, यहाँ पे हमारे को ऐड आइटम पर टिक करना है और हमारे को पेजेस के ऑप्शन में आना है, जो जो पेजेस हमारे को लगाने हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। तो तीन पेजेस हमने बनाए थे, तो दो पेजेस हमने बनाए थे कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस और एक होम का ऑलरेडी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो तीनों पेजेस को हम बना के यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। तो अभी हमारे पेजेस यहाँ पे शो नहीं कर रहे, तो शो कैसे करना है, तो शो आपको कैसे करेंगे, आपको विजिट्स में आना है, यहाँ पे आपको हेडर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको ऐड करना है नेविगेशन मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू। तो यहाँ पे आपको एक सिलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पेजेस को सिलेक्ट कर देना है। तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो आपने पेजेस ऐड करे हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पॉलिसी पेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा हेडर का काम हो चुका है, हेडर हमारा इस तरीके से दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा हेडर दिख रहा है। तो अब हमारे को यहाँ पे फुटर को भी एडिट करना है, तो फुटर को हम कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लोगों की साइज़ थोड़ी यहाँ पे बढ़ा दी है, आप कम भी कर सकते हैं,
जैसे मैंने आपको बताया था, आपको साइट आइडेंटिटी पर आ जाना है। यहाँ पे आपको लोगों की विड्थ का ऑप्शन सेलेक्ट करने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से लोगों को सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको तो ये आप अपने हिसाब से कर लेना। अभी मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो अब हम फुटर वाली कस्टमाइजेशन पे आते हैं। यहाँ पे हमारा हेडर का काम हो चुका है, फुटर की कस्टमाइजेशन में हम आते हैं। तो फुटर में अगर आपको देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे आई यूजी वर्ल्ड बिल्ड विथ जनरेट प्रेस। तो अगर आपको जनरेट प्रेस की जगह अपना यहाँ पे कॉपीराइट डालना है तो आपको कैसे डालना है, देखो ये आपको तभी मिलेगा जब आपका जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन होगा। तो ये एडिट करने को आपको तभी मिलेगा। यहाँ पे आपको कस्टमाइज पे आना है। यहाँ पे आपको एक एडिट का बटन मिलेगा, इस पर आपको टिक करना है। यहाँ पे आप अपना कॉपीराइट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल अभी यही टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी सिंपल मैं आयुजी वर्ल्ड ही टाइप कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपना कॉपीराइट डाल देना। तो सिंपल मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो ये हमारा देखो अब आयुजी वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कॉपीराइट लगा लेना, जो भी आप लिखना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम पॉलिसी पेजेस को भी ऐड करने वाले हैं। देखो फुटर में आपको पॉलिसी पेजेस को कैसे ऐड करना होता है, तो आपको यहाँ पे विजिट्स में आ जाना। विजिट्स में आने के बाद आपको फुटर विजिट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अगर आप फुटर विजिट्स जैसे इस तरीके से यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कैटेगरीज की फॉर्म में जैसे यहाँ पे मैंने कर रखे हैं इस तरीके से यहाँ पे शो हो, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। आपको फुटर बार में आना है, यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन करना है, यहाँ पे आपको नेविगेशन मेन्यू सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको पेजेस को ऐड कर देना है। तो जब आप ये करोगे तो आपके पास यहाँ पे नीचे शो होने लग जाएंगे जो आपकी पॉलिसी पेजेस हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हेडर और फुटर में कस्टमाइजेशन कर सकते हो। देखो फुटर में भी हमारे पॉलिसी पेजेस लग चुके हैं, हेडर में भी हमारी कैटेगरी लग चुकी है, पॉलिसी पेजेस लग चुके हैं, लोगो हमारा लग चुका है। यहाँ पे साइट नेम जो आप रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हेडर और फुटर को कस्टमाइज कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट के बहुत आसान तरीका है। आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पे अपने हेडर और फुटर को कस्टमाइज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप भी अपने हेडर फुटर को कस्टमाइज़ कर लेना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर देना। देखो आप वीडियो पूरी देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप ही का ही फायदा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके। आज की इस वीडियो में सिर्फ